हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। आज इस सेशन में हम चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, बेसिकली चार्ट को हम बनाते क्यों हैं? किसी भी रिपोर्ट को जनरेट कराने के लिए ग्राफिकली, तो इसलिए हम करेंगे। क्या दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट कर लिया हमने एरिया को, उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और डेटा बनाएंगे और डेटा से रिपोर्ट जनरेट कराएंगे हम। हमने यहाँ पे कुछ रिपोर्ट बना लिया, जैसे अप से और प्रेजेंट के लिए एक साल का हमें सबमिट करना है कोई रिपोर्ट। हमने दिया जुलाई, कोई एग्ज़ाम, कोई अटेंडेंस, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम कोई रजिस्टर बनाते हैं ना, तो वो जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई मई जो भी हो, तो इसको आप जुलाई ऐसे ऐड कर लो। इसके बाद यहाँ पर उसको ड्रैग कर दो, आपको जो 12 महीना आ जाए, ठीक है, मई जून, आप इसको ऐड कर लेना। इसके बाद यहाँ पर लिख दो आप प्रेजेंट और अब्सेंट, प्रेजेंट और सेकंड में लिख दो आप अब्सेंट। अब देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोई अटेंडेंस है, रजिस्टर है, उसमें आपने डेटा बना लिया, उसके बाद आपको सबमिट करना है कि क्या रिस्पांस रहा और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे प्रेजेंट की बात करें, जुलाई महीने में स्कूल खुलता है, ठीक है, कॉलेज ओपन हुआ, तो उस टाइम प्रेजेंट कितना हुआ स्टूडेंट लोग का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं एक रिपोर्ट बनाने के लिए। हमने यह दे दिया 100% में से कि जुलाई में 60% अवेलेबल रहे स्टूडेंट लोग। इसके बाद नेक्स्ट में हमने ऐड कर लिया कि यहाँ 40% अब्सेंट है, ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे। देखो, यहाँ पर हम लिख देते हैं 40%। और यहाँ पर अगस्त की बात करें, तो अगस्त में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा, 70%, और इसमें 30% अपसेट थे। और सितंबर में कुछ हद तक सही था, यहाँ पर 85% सही था, और यहाँ पर 15% अपसेट थे लोग। अक्टूबर में भी सही अच्छा रिस्पॉन्स रहा, 90 तक गया, और 10% केवल अपसेट रहे लोग। और यहाँ पर आप डायरेक्टली डेटा भी दे सकते हो कि जितनी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ होगी आप लिख सकते हो, ऑटोमेटिक वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर करना क्या है, नवंबर का आपने कर लिया, फिर से वही रहेगा 30%। और दिसंबर की बात हो रही है, दिसंबर में कुछ अच्छा खासा रिस्पांस नहीं रहा, यहाँ पर देखिए 60%, यहाँ पर 40%। इसके बाद जनवरी की बात कर रहे हैं, तो जनवरी में अच्छा रिस्पांस वैसे भी नहीं होता, ठंड का टाइम होता है, तो यहाँ पर हमने कर लिया 50% अब्सेंट। और फरवरी की बात कर रहे हैं, तो फरवरी में हमने इसको भी ऐड कर लिया, 40% रहा प्रेजेंटली और 60% अब्सेंट। मार्च की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 30% सॉरी यहाँ पे हमारे पास 95% और 5% अब्सेंट। अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल में भी एग्ज़ाम चलता है वैसे भी, तो अप्रैल में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहेगा, 95% एंड 5। इसके बाद मई की बात कर रहे हैं, तो मई पे यहाँ पे छुट्टी हो जाती है, तो हमने यहाँ पे मई पे 0 कर लिया और इसमें भी 0 कर लिया। जून की बात करें, यहाँ पे 0 और इसमें भी 0, इसको हटा देंगे हम। देखो जी, यहाँ पे बन गया हमारे पास, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको हम करेंगे बोल्ड। बोल्ड करने के बाद इसमें हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस एरिया को कंट्रोल बी किया, बोल्ड हो गया। इसके बाद ये जो डेटा हमारे पास, इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जब चार्ट यूज़ करना होता है उस वक्त हम इसको सेलेक्ट करते हैं डेटा पे, और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। देखो, यहाँ पे लिखा है चार्ट, इंसर्ट में हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास पाई चार्ट है, पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारे पास 2D कॉलम है, 2D यूज़ कर सकते हैं, 3D कॉलम यूज़ करना है, 3D कॉलम यूज़ करें, हमें क्लिक करना है। देखो, ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया, ओके। आपको ये पूरा प्रेजेंट दिख रहा होगा, अगर ये बहुत बड़ा महीना दिख रहा है ना, तो कोई टेंशन नहीं, आप केवल लिख दो यहाँ पे JUL, ठीक है। जैसे आप JUL लिखोगे,
इसको ड्रैग कर दो, ड्रैग कर दोगे आपको शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हो ये आपका रिपोर्ट आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हो ये जो चार्ट टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए कि ये किस इसका है, अटेंडेंस का है। अब लिख दिया यहाँ पर अटेंडेंस, इसको सेलेक्ट करके अब बोल्ड कर देना। ये तो रिपोर्ट हमारे पास सबमिट बन गया, इस रिपोर्ट को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। देखो एक और काम कर सकते हैं हम, इस रिपोर्ट को थोड़ा बड़ा कर लें, मैं दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आप जब जाओगे तो यहाँ पे कुछ आपको शेप मिलेगा, शेप का आउटलाइन दे सकते हो आप, ठीक है, वेटेड दे सकते हो, ये सब चीज़ें जो आउटलाइन होती हैं। इसके बाद आप कलर करना चाहो तो आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है, इसका जो बैकलाइन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो डिज़ाइन दिख रहा हुआ है, डिज़ाइन देखो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में डिज़ाइन मिलेगा। आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट चेंज करना चाहते हो आप फॉर्मेट अप्लाई कर लो, आप क्लिक करो जैसे ही दिख जाएगा। देखो यहाँ पे जो हमने जीरो दिया था ना, जीरो का दिख रहा है कैसा परसेंटेज, और यहाँ पर देखो ये जो कलर दिख रहा है प्रेजेंट का कलर है, और ये अब फेंड का कलर है, ठीक है, तो इसके हिसाब से फॉर्मेट बन चुका। इसके बाद कुछ और चीज़ें आप देखना चाहते हो तो आप इसमें यहाँ पर क्लिक करो, इसका फॉर्मेट अब चेंज कर लो। फॉर्मेट चेंज करने के बाद यहाँ पे कलर, आपके पास कलर भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी कलर चाहिए यहाँ से, जैसे रिपोर्ट सबमिट करना और रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करें क्विक लेआउट, क्विक लेआउट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लिखावट इससे कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो फॉर्मेट पहले चेंज करते हैं हम, सॉरी, यहाँ पे हमने लेआउट पे क्लिक किया, लेआउट का नोटिस चेंज हो जाएगा पूरा पूरा। अगर आप जैसे चाहते हो उसको शो कराना, आप शो करा सकते हो, लेआउट पे ही क्लिक करोगे हम, ठीक है। अगर ये फॉर्मेट आपके पास है, आप चाहते हो पाई चार्ट होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे मिलेगा चार्ट, एक मिनट देखा, चेंज टाइप, अभी आप क्लिक। अगर आपको इसे पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो आप पाई चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओके कर दो, आपको ये पाई चार्ट में मिल जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। और उसका फॉर्मेट चेंज करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करके देखो ये ऐसे भी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन हमारे पास हैं, क्लिक करेंगे और इनका इस्तेमाल कर लेंगे, हाँ, इस तरीके से आप ये रिपोर्ट आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान होता है इसमें काम करना। अब ये देखो पूरा पूरा फार्मूले के साथ कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये चार्ट का नाम है, चार्ट का नाम आप चेंज कर सकते हो, इस तरीके से चार्ट पे हम काम करते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो बहुत ही आसान होगा, आप इसमें से कैमरा मंगा लेना, या हर सिस्टम में होता है एक स्निपिंग टूल, आप क्लिक करना स्निपिंग टूल पे, इस चीज़ को सबमिट करना हो तो बहुत ही आसान है ना, इसको ऑन कर लिया, इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे, इस रिपोर्ट को यहाँ से हम इसमें क्लिक किया, देखो ये इमेज बन गया, इसको हम सेव कर देंगे अपने डेस्कटॉप पर। और आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो सेव टाइप है पीएनजी फॉर्मेट में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम लिख करके सेव कर दोगे, ये फाइल सेव हो जाएगा। इस तरीके से हम इस पर काम करते हैं। एक्सेल के सीरीज में मैंने पूरा कवर किया है होम मेनू को, इंसर्ट मेनू को और पेज लेआउट को, और कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को मैं